कल्चर, नर्चर, फ्यूचर, आवर विजन योर फ्यूचर, मिरेकल ऑफ अर्निंग इन एजुकेशन, कीप यू फर्स्ट, कीप यू अहेड, सर्विंग ह्यूमैनिटी, सर्विंग नेशन, लेट्स यूनाइट फॉर बिगेस्ट एजुकेशनल रेवोल्यूशन, अ विन विन अपॉर्चुनिटी, अ स्कूल फॉर ऑल, इनकम फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सक्सेस फॉर ऑल, लाइफ टाइम अर्निंग, सीड टू सक्सेस, लाइफ इज शॉर्ट, लेट्स कनेक्ट, रीच आउट एंड मेक इट लार्ज. फॉर फ्रेंचाइजिंग इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर राकेश चतुर्वेदी ऑन 9873860000. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन अनदर नंबर 9354619250. नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. दिनांक 26 मार्च के इस खास कार्यक्रम ज्योतिषी कार्यक्रम ज्योतिष दिशा सत्य की राह में मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी. आज इस तरह से वॉयस रिकॉर्डिंग का तृतीय दिवस है. मेरे ख्याल से एक दिन और बस झेलना पड़ेगा, फिर आप लोग पुनः उसी तरह से रहेंगे. और आप लोग को ये बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि आप लोगों के आशीर्वाद और मोहब्बत के सहारे हमने अपनी लड़ाई जीत ली है और हम वापस सब गाजियाबाद आ रहे हैं. और बाकी के शेड्यूल जिस तरह से आप लोग के साथ हमने शेयर किया था उसी तरह से रहेगा. जैसे 29, 30, 31 को हम रायपुर छत्तीसगढ़ रहेंगे और उसके बाद 5 और 6 अप्रैल को अमृतसर. तो इन दोनों शहरों के लोग अगर अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 9910-29-1850 दिनेशवा का नंबर है, कॉल कर लें और मिलने का समय लें. आइए जानते हैं आज का पंचांग. चैत्र माह कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. एकनाथ षष्ठी कहते हैं. चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नक्षत्र अनुराधा सुबह 7:14 तक और अनुराधा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र, ये बुध का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का नक्षत्र होता है. योग रहेगा सिद्धि. तदनुसार दिनांक 26 मार्च दिन मंगलवार. मंगलवार को राहु काल का समय रहेगा 2:03-4:30 तक. राहु काल में किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ मत करिएगा अन्यथा काम बिगड़ेंगे. गोली काल का समय रहेगा 2:12-1:30 तक. गृह प्रवेश आदि अगर कुछ करना चाहते हो तो किया जा सकता है. गोली काल बेहतरीन समय होता है. चलिए शुरुआत करते हैं मेष से लेकर के मीन तक का आज का पूरे दिन के हाल का. सक्सेस की बताएंगे. दिनांक 27 मार्च का एग्जाम टिप भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं. चलिए अब लेट नहीं होगा और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि के आज के राशिफल से. मेष वालों के लिए शिक्षा के मामले में कई प्रकार का उठापटक देखने को मिल सकता है. हो सकता है कि अचानक से कुछ स्थितियां आपके विरुद्ध हो जाए जो कि आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे और इन विरुद्ध वाली स्थितियों से भी आप बच नहीं पाएंगे. व्यापार की स्थिति आज बिल्कुल ठीक रहेगी. नए व्यापार के संयोग बनेंगे. मेष वालों को आज पैतृक संपदा में भी कुछ लाभ होगा जिससे व्यापार में निवेश किया जा सकता है. प्राइवेट सेक्टर, नई नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं. मित्रों की मदद से आज वर्तमान क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा. सरकारी क्षेत्र, मेष वालों के सरकारी क्षेत्र में कुछ स्थितियां डावाडोल है. हो सकता है कि सरकारी क्षेत्र में कुछ आपके ऊपर जांच आ जाए, कुछ कोर्ट कचहरी के मामलों में भी उलझ सकते हैं. दाम्पत्य जीवन बम बम स्थिति है. पति पत्नी के बीच पैचअप की संभावनाएं बन रही हैं. बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा. लव लाइफ, हो सकता है कि आज आप दोनों के बीच कुछ वैचारिक मतभेद बढ़ जाए. बिना सोचे समझे अगर कुछ करेंगे तो हो सकता है सेपरेशन की स्थिति आ जाए. लव लाइफ में कोई नया भी आपके जीवन में प्रवेश शाम 6 बजे के बाद कर सकता है. स्वास्थ्य,
मेष वालों के स्वास्थ्य में आज घुटने की दिक्कत और पेट की दिक्कत परेशान कर सकती है। उपाय क्या करना चाहिए, आज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। क्या नहीं करना है, अपने राज शेयर ना करिएगा। गुलाबी रंग शुभ है, 66% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि, शिक्षा क्षेत्र में आज कुछ नया उपलब्धि अर्जित हो सकता है। लेखन कार्य से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने वाला है। परीक्षा में बिल्कुल उत्तीर्णता के संकेत दिखाई देते हैं। वृषभ राशि, 26 मार्च मंगलवार। व्यापार, नए व्यापार को आरंभ कर सकते हैं। आज कोई नई स्ट्रेटजी आपके लिए लाभदायक रहेगी। बिना सोचे समझे कुछ किया हुआ काम आज उल्टा सीधा फल दे सकता है। वृषभ राशि, 26 मार्च प्राइवेट सेक्टर, नौकरी की तलाश बंद कर दें। सरकारी क्षेत्र में कुछ स्थितियां सामान्य हैं। मित्रों का साथ मिलेगा, बॉस आज आपसे प्रसन्न रहेगा। वृषभ राशि, दाम्पत्य जीवन 26 मार्च, मैरिड लाइफ में कुछ आज उठा पटक तो रहेगा, लेकिन शाम तक पति पत्नी के बीच पैचअप हो सकता है। पुराने गिले शिकवे आज भूल सकते हैं, एक मीटिंग कंप्रोमाइज के लिए जरूर करिए। लव लाइफ, स्थिति अच्छी है, शादी की बात कर सकते हैं। बहुत दिनों से अगर नोक झोंक था तो आज सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य, घुटने की तकलीफ और त्वचा की दिक्कत आज परेशान कर सकती है। वृषभ राशि, 26 मार्च, उपाय क्या करना है, आज सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 70। क्या नहीं करना है, आज दो पहिए वाहन से लंबी यात्रा मत करिएगा। मिथुन राशि, शिक्षा की स्थिति आज सामान्य रहेगी, दोस्ती रंग लाएगी, नोट्स तैयार रहेंगे, एग्जाम फलेगा। व्यापार की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। व्यापार में कुछ बड़ा करने की आज चाहत पूरी होगी। नए व्यापार आज आरंभ किए जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, मिथुन राशि, समस्याओं से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर वाले आज नई नौकरी के प्रयास कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में कुछ स्थितियां आज विकट रहेंगी, लेकिन शाम तक बॉस के सहयोग से चीजों को सामान्य पाएंगे। दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ में कुछ बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो सकता है, ससुराल वालों का हस्तक्षेप हो सकता है। पति पत्नी में आज सेपरेशन की संभावना ज्यादा प्रबल है। लव लाइफ, आज कहीं बाहर डेट पर जा सकते हैं। लव लाइफ की स्थिति बहुत सामान्य है, खुश रहेंगे आज। स्वास्थ्य, सर में भारीपन, त्वचा की दिक्कत, पैनक्रियास की प्रॉब्लम आज परेशान कर सकती है। क्या उपाय करना चाहिए, मिथुन वालों को तुलसी का एक पत्ता मुख में डालें। क्या नहीं करना है, आज अपने राज शेयर नहीं करते हैं। लाल रंग की शुभता है, 68% का भाग्य आपके साथ। कर्क राशि, बहुत खुशी खुशी आज सारी चीजें मैनेज कर लेंगे आप। कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की शुभता से शिक्षा में उन्नति मिलेगी। व्यापार, बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। नई योजनाएं रंग लाएंगी। आज के दिन संभव है कि लोन सैंक्शन हो जाए आपका। दोस्तों की मदद व्यापार में 4 चांद लगाएगी। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी की तलाश से रोक दें। चीजों को उलझने से बचाने की आवश्यकता है। आज बड़े लोगों की बात जरूर माने। सरकारी क्षेत्र, कुछ नोक झोंक आज बढ़ सकता है। कलीग के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। चीजें असामान्य सी लग रही हैं, सावधान रहिएगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, दोनों में आज स्थिति बिगड़ सकती है। पुरुष वर्ग को झुकने की आवश्यकता रहेगी कर्क वालों के लिए 26 मार्च को। बाकी चीजें सामान्य रहेंगी। डेट पर जाने की कोशिश आज छोड़ दीजिएगा। स्वास्थ्य में स्थिति थोड़ी सी डावाडोल है। पेट की दिक्कत आज ज्यादा परेशान कर सकती है। चीजों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। सर में भारीपन, हाथ और पांव में तकलीफ, ज्वाइंट्स में
उपाय क्या करना है कर्क वालों को, आज चीनी और पानी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज, आज के दिन काला रंग अवॉइड करिएगा, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 66। सिंह राशि, क्रोध की अधिकता परेशान कर सकती है, अकल्पनीय मानसिक वेदना आपको आज परेशान कर सकती है। आज के दिन चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए अपने आप को सामान्य रखने की कोशिश जरूर करिएगा। व्यापार निवेश से बचने की आवश्यकता है, सिंह राशि वालों को आज गुस्से में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचने की आवश्यकता है। सिंह राशि, प्राइवेट सेक्टर, बॉस प्रसन्न रहेगा, विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। आज प्राइवेट सेक्टर वालों को नई नौकरी की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। सरकारी क्षेत्र, ट्रांसफर प्रमोशन थोड़ा सा रुके इलेक्शन तक, उसके बाद विचार करिएगा, फिलहाल मेहनत पर ध्यान दे तो बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन, गुस्से के कारण आज पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति बन रही है, भोजन त्यागना आप दोनों के लिए भारी पड़ सकता है, बच्चों का ख्याल रखें, मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाएं। लव लाइफ, क्रोध के कारण रिश्ता आज यहाँ भी बिखरता दिख रहा है, चंद्रमा सही स्थिति में नहीं है भाई, शांत रहें। शनि और बुध दोनों का आज महादशा के रूप में अनुराधा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र का कॉम्बिनेशन है। क्या विशेष करना आपके लिए शुभ रहेगा बताएंगे, पहले लव लाइफ के बारे में जान लें। लव लाइफ में स्थिति आज बिल्कुल सामान्य है, बहुत चीजें सब मैनेज हो रही हैं, प्रेम बना हुआ है। नेक्स्ट, लव लाइफ के बाद स्वास्थ्य, सर में भारीपन बहुत रहेगा आज, कुछ माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी तो आज संभाल के रहिएगा। स्नोफिलिया के मरीजों को आज सांस की दिक्कत हो सकती है, चंद्रमा की स्थिति बुध के नक्षत्र में आने के कारण दोपहर के बाद चीजें ठीक नहीं है, क्या उपाय करना चाहिए आपको, आज एक छोटी इलायची मुंह में डाल लीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा मत करिएगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 60। कन्या राशि, बहुत अच्छी स्थिति है, शिक्षा में आज मन लगेगा, परीक्षा में आज सफलता मिलेगी, आज चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करने में लगे रहेंगे तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। कन्या राशि, व्यापार, नए व्यापार की प्लानिंग को भी चेंज कर दीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं, व्यापार में सुस्ती कई बार आनंद देती है। कन्या राशि, प्राइवेट सेक्टर, नई नौकरी की संभावनाएं भी फिलहाल टाल दीजिएगा, अभी 2 से 4 दिन आपको जहां काम कर रहे हैं वहां करने की आवश्यकता है। जो कन्या राशि वाले नौकरी नहीं पाए हैं, फिलहाल संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। कन्या राशि, सरकारी नौकरी वालों के लिए मेहनत से भागना आज भारी पड़ सकता है, बॉस परेशान करेगा, थोड़ा सा इधर की उधर करना बंद कर दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन, कन्या राशि, चीजें बिल्कुल सामान्य है, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, आज अपने आप को बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे आप। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए कन्या राशि में आज कई संभावनाएं और बन सकती हैं, मेहनत से बस ना भागिएगा। दाम्पत्य जीवन, पत्नी आज आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगी, मैरिड लाइफ में चीजें बिल्कुल सामान्य दिखाई देती हैं, बहुत ज्यादा समस्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लव लाइफ में स्थितियां आप बिगाड़ सकते हैं आज, ज्यादा बोलना आपके लिए भारी पड़ सकता है, स्वास्थ्य के कारण भी आज लव लाइफ थोड़ा सा प्रभावित होगा, डेट पर आज ना जाए तो बेहतर है। स्वास्थ्य में त्वचा की दिक्कत और पेट की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, उपाय क्या करना चाहिए, आज गौमूत्र का सेवन कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, आज तुला राशि वालों को कई तरह से अचानक परेशानी हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में चीजें बिखरती सी दिखाई देती हैं, हो सकता है कि आज
तुला राशि वालों के लिए व्यापार में इधर का उधर करना भारी पड़ जाए। नहीं सोचे थे फिर भी व्यापार में कुछ स्थितियां बिगड़ रही हैं। बहुत संभाल कर अपने आप को रखने की आवश्यकता है। निवेश अभी मत करिएगा। कन्या राशि तुला राशि माफ कीजिएगा, एक नई समस्या अचानक से आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में कुछ समस्याएं ज्यादा हैं, उसको संभाल लेंगे तो सब संभल जाएगा। सरकारी क्षेत्र बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, पुरानी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। आज कुछ नई जिम्मेदारी का भार आप उठा लेंगे। तुला राशि आपका सोचा हो रहा है। दांपत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। चीजों को आप मैनेज करते हुए देखेंगे, पत्नी आज आपसे प्रसन्न रहेगी। लव लाइफ यहाँ स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है, अलगाव की संभावनाएं बन रही हैं, स्वयं को सावधान रखें। स्वास्थ्य तुला राशि हेल्थ में शुगर लेवल आज थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, क्या उपाय करना चाहिए आपको? आज के दिन कहीं से कहीं का इधर उधर मत करिएगा। आज सफेद रंग आपके लिए शुभ रहेगा, इसे रंग का कपड़ा पहने। कंट्रोवर्सी पैदा करना भारी पड़ सकता है। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि स्वास्थ्य का लाभ शिक्षा में उन्नति देगा। आज कई अन्य प्रकार से भी शुभता आपके साथ बन जाएगी। वृश्चिक राशि वालों को आज क्रोध नहीं करना चाहिए, शिक्षा में लाभ मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर बताएंगे, पहले व्यापार जानिए। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप बिजनेसमैन हैं तो हो सकता है आज विदेश से कुछ व्यापार में आपके वृद्धि के संकेत मिले, दोस्तों का साथ मिले और आप उन्नति के शिखर पर चढ़ते चले जाएं। प्राइवेट सेक्टर वृश्चिक राशि लड़ाई झगड़ा करना भारी पड़ सकता है। आज नौकरी से निकाल जाने की संभावना बन रही है। चंद्रमा का धीरे धीरे स्वाति नक्षत्र के द्वारा आगे बढ़ना ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। सरकारी क्षेत्र वृश्चिक राशि स्थिति सामान्य है, नौकरी में उन्नति होगी, बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा। दांपत्य जीवन थोड़ा सा मामला उल्टा होगा। आज एक दूसरे के प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है। वृश्चिक राशि लव लाइफ बम बम स्थिति है, बेहद समझदारी के साथ उन्नति होगी। धन की स्थिति बेहद सामान्य रहेगी, चीजों को मैनेज कर पाने में आप सक्षम होंगे। वृश्चिक राशि लव लाइफ के बाद स्वास्थ्य, पेट और कुछ गुप्त रोगों की संभावनाएं बन सकती है। प्रसन्न रहें आप, अपने अंदर से खुश रहें। वृश्चिक राशि उपाय क्या करना चाहिए? आज शिव की शरण में रहें। क्या नहीं करना है? आज खुद को असहाय नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। धनुराशि अचानक से क्रोध आना रिश्तों को तलखी देगा और शिक्षा प्रभावित हो जाएगी। आज भाई बहन के बीच और कुछ दोस्तों के साथ मनमुटाव के कारण शिक्षा में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। धनुराशि व्यापार में आज अच्छा सफलता के संकेत है। धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी, विदेश से भी लाभ हो रहा है, रुके धन की प्राप्ति होगी। धनुराशि प्राइवेट सेक्टर नई नौकरी की संभावनाएं तलाशना बंद करें, बाहर जाने के योग ढूंढें तो बेहतर रहेगा। धनुराशि सरकारी नौकरी स्थिति बहुत अच्छी है, बॉस बहुत प्रसन्न रहेगा, जो आपने किया है उसका लाभ आपको दिखाई देगा। आप अंदर से खुश रहेंगे, इसका लाभ दिखाई देगा। सरकारी क्षेत्र धनुराशि थोड़ी सी मामला यहाँ पर उल्टा सीधा दिखाई देता है। धनुराशि वालों को हो सकता है कि अकस्मात सरकारी क्षेत्र में भार कुछ ज्यादा मिल जाए, जिसके कारण कार्य आपका प्रभावित हो।
परिवार से भी कुछ उलझे से नजर आएंगे जिसका आपको नुकसान हो सकता है। धनुराशि वालों को आज 26 मार्च को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति अकस्मात उलट जाएगी। धनुराशि वालों की पत्नी आज ज्यादा हावी होने का प्रयास करेगी। परिवार के लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन से दूर रखें तो बेहतर है। लव लाइफ बम स्थिति है। धनुराशि वालों के लव लाइफ में आज किसी अन्य का प्रवेश रुक जाएगा। एक दूसरे के करीब आने की संभावनाएं बन जाएंगी। डेट पर जाया जा सकता है। धनुराशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य पर आंखों में तकलीफ और बाजुओं में तकलीफ कुछ हड्डियों से संबंधित परेशान करेगा। क्या उपाय करना चाहिए आज? शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाएं। क्या नहीं करना है आज? अपने मन की नहीं करना है। शुभ रंग धनुराशि के लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 70। मकर राशि, शिक्षा में उन्नति के संकेत हैं। अधूरी शिक्षा के पूर्ण होने की संभावनाएं हैं। शिक्षा में आज एग्जाम अच्छे से करेंगे आप, चीजें मैनेज करते हुए चलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में रुके काम आज सारे बन जाएंगे। व्यापार, मकर राशि 26 मार्च, बिजनेस में कुछ स्थिति डावाडोल तो है, लेकिन अगर जरा सा भी आप संभालेंगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। नया रिस्क जमीन जायदाद का मत लें तो बेहतर है। प्राइवेट सेक्टर, मकर राशि 26 मार्च, विदेश जाकर नौकरी करने की चाहत पूरी हो सकती है। आज बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक दूसरे की मदद करके कार्य क्षेत्र में मजबूती ले आएंगे। मकर राशि 26 मार्च, सरकारी क्षेत्र, भैया अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला थोड़ा सा रोक दे तो बेहतर है। हो सकता है मकर वालों को आज सरकारी क्षेत्र में कुछ भार ज्यादा मिल जाए। काम से न भागिएगा। मकर राशि, दाम्पत्य जीवन, भैया बहुत मामला उलझा हुआ है। वाणी पर संयम रखें, पत्नी को समझने की कोशिश करें, रिश्तों को सजोने का प्रयास सफल करें। प्राइवेट सेक्टर्स वाले लोग अपनी पत्नी के साथ रिश्तों को ज्यादा मधुर करें। लव लाइफ, यहाँ स्थिति थोड़ी सी असामान्य है। लव लाइफ में ब्रेकअप तक की संभावनाएं भी बन रही हैं। जितना खुद को शांत रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करें, बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में आज जबरदस्ती का कुछ मामला उलट रहा है और सर्जरी वगैरह या चोट एक्सीडेंट की संभावनाएं भी प्रबल हैं। मकर राशि, उपाय क्या करना चाहिए? 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करें आज। क्या नहीं करना है आज? पिता की आज्ञा की अवहेलना कदापि ना करें। पिता अर्थात आपसे जो भी बड़ा होगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा है। भाग्य प्रतिशत 65। कुंभ राशि, क्रोध के कारण आज शिक्षा प्रभावित हो रही है। आज पढ़ाई में बहुत रुकावटें आएंगी। आज टीचर भी आपसे बहुत खुश नहीं नजर आ रहे हैं। मन को संयम में बांध के रखें। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है। बिजनेस में आज बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कुंभ राशि वालों को आज खुद को संभाल कर रखेंगे आप। चीजें बिल्कुल संतुलित रहेंगी, बिखरेंगी नहीं। कुंभ राशि, प्राइवेट सेक्टर, नई नौकरी की प्रबल संभावनाएं हैं। आज नौकरी में चिड़चिड़ापन रहेगा, वर्कलोड बहुत हो जाएगा। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर में आज विशेष लाभ होने के संकेत हैं। पति पत्नी के साथ आज अच्छा ट्यूनिंग बना रहेगा, काम करने में मन लगेगा। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन, चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए तो विशेष लाभ है आज। मैरिड लाइफ में आज कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बन सकता है। आज आंतरिक प्रसन्नता हासिल होगी। कुंभ राशि, लव लाइफ, सिंगल होंगे तो दोपहर 12:40 के बाद कोई आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। रुपए की
तंगी आज परेशान करेगी। लव लाइफ में स्थितियां बिगड़ती सी नजर आ रही हैं। कुंभ राशि, क्या करना चाहिए आज बताएंगे, पहले जान लीजिए। कुंभ राशि वाले आज स्वास्थ्य, जॉन्डिस की शिकायत, लीवर की प्रॉब्लम और किडनी से संबंधित प्रॉब्लम परेशान करेगी। उपाय के नाम पर आज आपको तुलसी की तीन पत्ती कहीं राम या कृष्ण मंदिर में चढ़ाएं या घर के बने मंदिर में चढ़ाएं। क्या नहीं करना है आज कुंभ राशि वालों को, आज राज अपने शेयर नहीं करने हैं। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 57। अंतिम राशि मीन, मीन राशि वालों के लिए आज कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा शिक्षा में उन्नति प्रदान करेगी। आज दोस्तों का साथ खुश करेगा। गर्लफ्रेंड ढूंढ गई थी तो मान भी जाएगी, जिससे आज जाम के पढ़ेंगे आप, वही इससे अच्छा और क्या हो सकता है। व्यापार बिजनेस वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए, 26 मार्च वालों के लिए आज के लिए बड़े फैसले टालने की आवश्यकता है। आज बिजनेस में कुछ स्थितियां उलट फेर में दिखाई दे रही हैं। जितना हो सके अपने आप को शांत रखें, बिजनेस के फैसले टाल दें। प्राइवेट सेक्टर, यहां पे मामला बिल्कुल सकारात्मक है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन इलेक्शन तक रुकने की आवश्यकता है, रुपए पैसे की खर्चे की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन, जो मीन राशि वाले हैं आज के दिन पत्नी की बात थोड़ी सी मानने की कोशिश करिएगा, ठीक रहेगा। लव लाइफ में अकस्मात सिचुएशन की संभावनाएं हैं, कुंडली दिखाएंगे तो जरूर कुछ न कुछ हल निकालेंगे। मीन राशि, स्वास्थ्य में पेट की दिक्कत, शुगर और ब्लड प्रेशर आज फ्लक्चुएट कर सकता है। क्या उपाय करना चाहिए आज, आज शिव तांडव स्त्रोत्र का पाठ करें। क्या नहीं करना आज, आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 66। चलिए तो राशियों का हाल फटाफट जान लेते हैं अब आज की सक्सेस की। और हाँ, 29, 30, 31 मार्च को कोशिश करिए रायपुर में मिलने की। आज की सक्सेस की, दाहिने हाथ की छोटी उंगली से अपने कंठ को 3 बार छूकर ओम ह्रीं का जाप करें और घर से प्रस्थान करें। ह्रीं, HREENG। फटाफट जानिए आज का भाग्याक्षर और उसके बाद दिनांक 27 मार्च का एग्जाम। भाग्याक्षर मेष, वाक्षर बिशप न मिथुन, जाक्षर कर्क हा सिंह, याक्षर कन्या चा तुला, माक्षर वृश्चिक द धनु, भाक्षर मकर हा कुंभ, साक्षर मीन प। ये आपके अपने शुभाग्याक्षर हैं। 24 घंटे के लिए इन्हें सादे चौकोर कागज पर लिख के अपने पास रखें, हंसते रहें। चलिए चलते चलते कल दिनांक 27 मार्च का एग्जाम टिप। एक चुटकी आटा अपने दाहिने चुटकी से लेकर के 3 बार क्लॉकवाइज वारना है और किसी भी पौधे के नीचे रखते हुए निकल जाना है। बस इतना सा करिए। ऐसे बच्चे जिनके पास आटा नहीं है, जो मेस में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ऐसे बच्चे मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा की जगह मिट्टी। थैंक यू सो मच प्यार बनाए रखने के लिए। जल्दी आप लोग के सामने कैमरे के मैं उसी तरह हंसते मुस्कुराते आऊंगा। फिलहाल भी हंस रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की दुआओं ने रंग जो दिखाया है। मोहब्बत बना के रखें, चलते हैं। नमस्कार। कल्चर नर्चर फ्यूचर, आवर विजन योर फ्यूचर, मिरेकल ऑफ अर्निंग इन एजुकेशन। कीप यू फर्स्ट, कीप यू
करता है. सर्विंग ह्यूमैनिटी, सर्विंग नेशन. लेट्स यूनाइट फॉर बिगेस्ट एजुकेशनल रेवोल्यूशन. अ विन विन अपॉर्चुनिटी. अ स्कूल फॉर ऑल, इनकम फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सक्सेस फॉर ऑल, लाइफ टाइम अर्निंग, सीड टू सक्सेस. लाइफ इज शॉर्ट. लेट्स कनेक्ट, रीच आउट एंड मेक इट लार्ज. फॉर फ्रेंचाइजिंग इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर राकेश चतुर्वेदी ऑन 9873860000. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन अनदर नंबर 9354619250.